क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट इज स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या होता है? ऑप्शन ए है ए फॉर्मेट प्रिंटर, ऑप्शन बी अ प्री डिजाइन स्लाइड लेआउट, ऑप्शन सी अ टेक्स्ट रैपर, ऑप्शन डी है ए फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो जो स्लाइड मास्टर है वो आपका प्री डिजाइंड टेम्पलेट होता है स्लाइड के लिए, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी स्लाइड पे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, MS PowerPoint is an example of what type of software? जो Microsoft PowerPoint है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो आपकी ऑप्शन है ऑप्शन डी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि Microsoft PowerPoint जो है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट कॉमनली यूज कीबोर्ड शॉर्टकट इनिशिएट्स इज स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में अगर आपने स्लाइड्स का स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करते हैं हम? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस बी या F5। तो अगर आपने पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई हुई हैं और उसका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट करना है तो F5 जो है वो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट डज द नोट्स पेज व्यू इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू डू? नोट्स पेज व्यू जो है वो पावर पॉइंट में क्या आपको अलाउ करता है? ऑप्शन है ए ऐड स्लाइड ट्रांजिशंस, ऑप्शन बी ऐड स्पीकर नोट्स, ऑप्शन सी डिज़ाइन स्लाइड लेआउट, ऑप्शन डी रिकॉर्ड वीडियो। तो जो आपका नोट्स पेज है वो आपका जो है वो ऐड स्पीकर नोट्स, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट डज द स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू अकम्प्लिश? स्लाइड सॉर्टर क्या करता है पावर पॉइंट में? तो ऑप्शन है इसके लिए कलर स्लाइड कंटेंट, रीअरेंज स्लाइड्स, डिज़ाइन स्लाइड लेआउट्स या मर्ज सेल्स। तो स्लाइड सॉर्टर जो है वो स्लाइड्स की सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, या रीअरेंज उसको कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176, व्हाट इज़ ए प्री डिज़ाइंड स्लाइड लेआउट? जो प्री डिज़ाइंड स्लाइड लेआउट होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन डी स्लाइड टेम्पलेट। तो जो प्री डिज़ाइंड स्लाइड लेआउट होता है वो आपका यहाँ पे पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर कहलाता है, जिसकी बेस पे आप जो है वो बाकी जो स्लाइड्स हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्लाइड मास्टर इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। व्हाट इज़ अप्लाइड बिटवीन स्लाइड्स इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स के दरमियान क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए एनिमेशंस, ऑप्शन बी सिमुलेशंस, ऑप्शन सी सेक्शन, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। तो जब आप स्लाइड्स जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं पावर पॉइंट में, फॉर एग्जांपल आपने 5 स्लाइड्स जो हैं वो डिज़ाइन की, तो उन स्लाइड्स के बीच में, हर स्लाइड के बीच में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो ट्रांजिशन होता है, जो कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब आपकी ट्रांजिशन होती है तो देन आप कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन को सैम्पल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट इज़ अप्लाइड टू एन इमेज टेक्स्ट शेप ग्राफ और चार्ट विद इन ए स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में आप जो है इमेज टेक्स्ट शेप ग्राफ या चार्ट पे क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? एनिमेशन, सिमुलेशन, सेक्शन या ट्रांजिशन। तो कोई भी चीज़ आपकी स्लाइड पे गिवन है तो उस पर इन चारों ऑप्शन में से आप जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो एनिमेशन होता है। आप कोई भी उसको एनिमेशन जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी जो है ऑप्शन वो रॉन्ग है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन फीचर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में जो ट्रांजिशन का फंक्शन है वो क्या है? ट्रांजिशन क्या होता है, उसका क्या फंक्शनैलिटी है इसमें? ऑप्शन ए फॉर्मेट टेक्स्ट, ऑप्शन बी अप्लाई एनिमेशंस टू स्लाइड्स, ऑप्शन सी क्रिएट हाइपरलिंक्स, ऑप्शन डी मर्ज सेल्स। तो जो ट्रांजिशन है वो पावर पॉइंट में आप जो है बिटवीन स्लाइड जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, अप्लाई एनिमेशंस टू स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इन द डिज़ाइन रिबन ऑफ MS PowerPoint? PowerPoint में आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है डिज़ाइन रिबन में वो कौन सा ग्रुप होता है? ऑप्शन ए टेबल्स, ऑप्शन बी वेरिएंट्स, ऑप्शन सी सिंबल्स, ऑप्शन डी है थीम्स। तो जो डिज़ाइन रिबन होता है जब आप उस टैब पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप जो आपके सामने आता है वो थीम्स का होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? पावर पॉइंट का
जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? ऑप्शन ए वॉचिंग वीडियोस, ऑप्शन बी डिजाइनिंग वेब पेज, ऑप्शन सी डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस, ऑप्शन डी एडिटिंग इमेजेस। तो पावर पॉइंट का जो बुनियादी मकसद है, जो पर्पस है, वो क्या है? वो है आपका डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट आर्ट फीचर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में जो स्मार्ट आर्ट का फीचर है उसका क्या पर्पस है? ऑप्शन ए क्रिएट डायग्राम्स, ऑप्शन बी इंसर्ट इमेजेस, ऑप्शन सी क्रिएट हाइपरलिंक्स, ऑप्शन डी रिकॉर्ड ऑडियो। तो जो स्मार्ट आर्ट फीचर है पावर पॉइंट में उसका जो पर्पस है वो क्रिएट डायग्राम्स है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द टर्म फॉर ए प्री डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ कलर फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट? प्री डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ कलर्स जो है और फॉन्ट्स और इफेक्ट्स का वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी स्लाइड थीम, ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन। तो जो प्री डिफाइंड कम्बिनेशन है इन कलर्स का, फॉन्ट्स का और इफेक्ट्स का, वो है स्लाइड थीम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 184, व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्मॉल ग्राफिक और इमेज रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडिया इन पावर पॉइंट? स्लाइड मास्टर, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड ट्रांजिशन या आइकन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आइकन। एक छोटे से आप आइकन वगैरह पे क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 185, व्हाट इज द टर्म फॉर द आई कैचिंग इफेक्ट्स अप्लाइड बिटवीन ई स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? जो पावर पॉइंट में स्लाइड्स आप डिजाइन करते हैं उनके दरमियान आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि आई कैचिंग हो, जो कि अच्छा लगे? अगर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं तो उसमें आप क्या इफेक्ट डाल सकते हैं? तो ये आपका ट्रांजिशंस होती हैं, ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजिशंस। क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्लाइड शो व्यू इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड शो क्या होता है? स्लाइड शो जो है वो ये होता है कि अगर आपकी स्लाइड जो है वो आपने डिज़ाइन की हुई है तो उसको फुल स्क्रीन पे व्यू करके आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑप्शन जो है डिजाइनिंग वेब पेज, ये रॉन्ग है, रीरेंज स्लाइड्स, ये भी रॉन्ग है, व्यू प्रेजेंटेशन, तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। एडिटिंग इमेजेस फोर्थ ऑप्शन, वो भी गलत है आपकी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्यू ए प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो से आप कर सकते हैं व्यू। क्वेश्चन नंबर 187, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ यू टू ऐड विजुअल इफेक्ट्स टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड? आप जो है वो विजुअल इफेक्ट्स जो है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स पे स्लाइड में कैसे आप ऐड कर सकते हैं? कौन सा फीचर अलाउ करेगा आपको? स्लाइड मास्टर, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड ट्रांजिशंस, एनिमेशन इफेक्ट्स? तो इसमें आप जो है विजुअल इफेक्ट्स जो है वो एनिमेशन इफेक्ट्स जो है उसके जरिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 188, विच पावर पॉइंट फीचर अनेबल्स द सेम डिजाइन टू ऑल प्रेजेंटेशन स्लाइड्स? अगर आपने स्लाइड्स जो है वो बनाई हैं और उनको आप जो है वो कोई जनरल डिज़ाइन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो किस तरह मुमकिन है? ए जो है ऑप्शन स्लाइड मास्टर्स, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी स्लाइड शो, ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन। तो अगर तमाम स्लाइड पे आपने कोई डिज़ाइन इंप्लीमेंट करना है सेम डिज़ाइन, तो उसके लिए स्लाइड मास्टर के जरिए आप जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 189, विच पावर पॉइंट फीचर यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स एंड कमेंट्स टू इंडिविजुअल स्लाइड्स? अगर आपने इंडिविजुअल स्लाइड्स पे कोई स्पीकर नोट या कमेंट्स ऐड करने हैं तो किस फीचर के जरिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी स्लाइड नोट्स, ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन। तो जो स्पीकर नोट्स हैं और कमेंट्स हैं वो आप स्लाइड नोट्स के जरिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 190, विच पावर पॉइंट व्यू इज यूज फॉर डिजाइनिंग स्लाइड्स? स्लाइड जो है उसकी डिजाइनिंग के लिए क्या आप यूज करेंगे? स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो? इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? स्लाइड जो है वो डिजाइनिंग के लिए आप जो है कौन सा पावर पॉइंट का व्यू यूज करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन जो सी है नॉर्मल व्यू, वो आपका करेक्ट आंसर होगा।